डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ में वीडियो में साथ देने के लिए हैं बहुत प्यारे से ओलू जी, जनाब ओलिव है और ब्लैक कलर का पग है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक को लेकर आप सब परेशान हैं, आपको नहीं मालूम कि रजिस्ट्रेशन आपके डॉग की कहाँ होनी है। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि सर रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवानी है, कैसे करवानी है, कितने पैसे लगेंगे, ईजीली हो जाएगी या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारे डॉग की जनरेशन की डिटेल्स नहीं है कुछ भी। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं, इनका प्रॉपर आंसर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज़ में, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लिंक्स चाहिए होंगे आपको डिटेल के लिए वो लिंक्स भी नीचे दूंगा। मैं बादल भंडारी हूं और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं डॉग्स के लिए बिहेवियरिस्ट हूं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ याद दिला दूं, जो लोग नए मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अगर आपके डॉग की कुछ प्रॉब्लम है उसकी ग्रोथ से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड या ए टू जेड कुछ भी, आप नया डॉग लाए हैं किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको एक सिंगल मेरे YouTube चैनल पर सभी मैक्सिमम 90% प्लस प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा, घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो इसके लिए नीचे दिए हुए बटन को, रेड बटन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप सब दोस्तों के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास में डॉग है और डॉग को रजिस्टर करवाना है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं KCI से रजिस्टर करवाना है, कोई बोल रहा है मैं 5,000 लूँगा रजिस्टर करवा दूँगा आपका डॉग, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको इस तरह के किसी फ्रॉड के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है अपने डॉग की, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, आपको आपके डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मींस आपने जिससे भी वैक्सीनेशन करवाई है उस स्पेशली एंटी रेबीज की, आपको वो कार्ड चाहिए। आपका जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसी के ऊपर उसके डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है डॉग का वो 100% वही होगा, डेट आगे पीछे भी हो सकती है, कोई इशू नहीं, बट आपको उसकी एज पता होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट। और आपने ये वैक्सीनेशन कहाँ से करवाया इसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, वो कार्ड बना होगा। आपको ये सब चीज़ करनी क्या है, आपने एक लिंक दे रहा हूँ उसके ऊपर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करना है आपने, जैसे नोएडा वालों ने दिया है नोएडा पेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, राइट, इसी तरह से गुड़गांव वालों का अलग है, इसी तरह से पंचकुला वालों का अलग है, अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग है, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत ईजीली। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक टेबल से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे भेजेंगे। मोबाइल ऐप है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, अगर आप कुछ भी डिटेल लेना चाहते हैं आपको ऑनलाइन गूगल पे सारी हेल्प मिल जाएगी। आपको चाहिए 500 रुपी, जो आपके डॉग की रजिस्ट्रेशन फ़ी है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 500 रुपया डॉग की रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो कि एक साल के लिए वैलिड है। अगर आप उसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो अराउंड 40-42 रुपी पर मंथ का एक्सपेंस है। तो किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ जाना, ना ही कॉरपोरेशन ने बोला है कि आपको KCI रजिस्ट्रेशन ही करवानी है, मतलब कैनन क्लब ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन ही करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन करवानी है आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो फॉर्म है वो आपकी जो लोकल बॉडी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने इशू की है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपने वो डिपॉजिट करना है, ऑनलाइन फ़ी की पेमेंट हो जाएगी, जो आपको रिसिप्ट मिलेगी वो आपके पास में उसे लाइसेंस बोलेंगे कि आपको अथॉरिटी दी है कॉरपोरेशन ने कि आप अपने पास में कोई डॉग को रख सकते हैं, और आपका डॉग जो है वो फिट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके डॉग की कोई मेजर इलनेस है तो आप अपने डॉक्टर से लिखवा के आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। अपने डॉग के डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, कहाँ से आपने वैक्सीनेशन करवाया, डॉक्टर से सर्टिफिकेट। उसके अलावा अब जो गवर्नमेंट ने नया नॉर्म निकाला है उसके हिसाब से आपको अपने डॉग को न्यूट्रल भी करवाना पड़ेगा, मीन्स उसे स्टरलाइज करवाना पड़ेगा। हिंदी में बोलूँ तो उसकी नसबंदी करवानी पड़ेगी, चाहे वो मेल डॉग है चाहे वो फीमेल डॉग है। एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ, जो लोग नया डॉग लेके आ रहे हैं अपने घर में या जिनके पास में छोटा पपी है, उसकी एज 3 मंथ होने से पहले पहले आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। फ़ी छोटा पपी है तो भी उतनी है, सीनियर बुज़ुर्ग डॉग है तो भी उतनी है, उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में 3 डॉग हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको 1500 रुपया वो डिपॉज़िट करवाना पड़ेगा, और
तीनों डॉग का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करवाते हैं तो आपको हैवी पेनल्टी, हैवी फाइन पड़ेगा, पेट ऑनर को पड़ेगा। और कॉरपोरेशन ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की है, 2000 रुपी पर मंथ के हिसाब से आपको फाइन देना पड़ेगा। एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ दोस्तों के लिए, अगर हमारा डॉग, हमारा पर्सनल पेट किसी को बाइट करता है तो उसको मिनिमम जो फाइन है, जो मिनिमम पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो 10,000 रुपी प्लस प्रॉपर ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट, चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे वो जख्मों की रिपेयर है, वो सब पेट ऑनर को करवा के देना पड़ेगा जिसका डॉग बाइट करेगा, एंड दैट इज़ अप टू 2 लाख। वो डिपेंड करता है कि हमारे डॉग ने कितना स्वेयरली काटा और किस सिचुएशन सर्कमस्टांसिस में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें अपने डॉग को रजिस्टर करवाना है, पैनिक नहीं होना, किसी की अफवाहों में नहीं आना, और ये सब चीज़ करने के लिए ये जो मैं वीडियो है इसमें हेल्प कर रहा हूँ आपकी। नीचे मैं लिंक्स दूंगा नोएडा कॉरपोरेशन के जो है और जो गुड़गांव कॉरपोरेशन के, सो दैट वहाँ पे जो जो फॉर्म है उसके, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं आपने, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में जाके उसको पढ़िए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका। उसमें ये चाहिए, आधार कार्ड लगेगा आपका, वहाँ का रेजिडेंस, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा कि आप वहीं के रहने वाले हैं, और ये रजिस्ट्रेशन उन लोगों को करवानी है जो कॉरपोरेशन की लिमिट में आते हैं। लेकिन एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छोटे सिटी वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने लोकल कॉरपोरेशन में जाके बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ी है जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पता हो कि हमारी, हमारे शहर में कितने डॉग हैं और उनको कितने डॉग्स के साथ में टैकल करना पड़ सकता है, फ्यूचर में क्या प्लस और क्या माइनस। जो ये वीडियो बनाया ये उन दोस्तों के लिए जो बहुत घबरा रहे थे, उनको नहीं पता चल रहा था कि हमें अपने डॉग की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। आई होप ये जो वीडियो, इससे आपको हेल्प मिली होगी, आपके लिए फ्रूटफुल हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, आपके प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और नया वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और जो पेट लवर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो लोग भटके नहीं, किसी ब्रोकर या किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसे और पैसे ना बर्बाद करें। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, आपके घर में जो फर बेबी है उस पे, और ये जो गुगलू मुगलू सा मेरे साथ बैठा है इस पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। Forever.